नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार, स्वागत है आपका रुद्र ट्रेड यूट्यूब चैनल में। इस चैनल का उद्देश्य है आपको शेयर मार्केट से जुड़ी छोटी छोटी बातों से अवगत कराना। आज का टॉपिक है टाइम फ्रेम। मेरे पास वीडियो पर दोस्तों काफ़ी कमेंट्स आए कि हमें स्विंग ट्रेडिंग में किस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें डे ट्रेडिंग में किस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी का आज जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग, चाहे वो स्कैल्प ट्रेडिंग हो, डे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो। ठीक है, उसके लिए देखते हैं कि अगर आप स्कैल्प ट्रेडिंग करते हैं, मतलब दिन में काफ़ी बार ट्रेड कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही कम छोटे प्रॉफिट में निकलना पड़ता है और जल्दी निकलना पड़ता है। इसमें अधिकतर ज़्यादा क्वांटिटी ली जाती है, 500 या 1000। आपने 1000 क्वांटिटी ली है, आपका 5 पॉइंट बढ़ा, आप निकल गए वहाँ से तुरंत, तो आपको प्रॉफिट मिल गया 5000 रुपये। और जब आप स्कैल्प ट्रेडिंग करते हैं तो आप मैक्सिमम 5 से 10 मिनट ही रुकते हैं ट्रेडिंग में, तो इसके लिए आपको जो बेस्ट टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का रखना चाहिए। ठीक है, ये जरोधा का प्लेटफॉर्म है इसलिए मैं आपको इसे जरोधा के बारे में बता रहा हूँ। बाकी अगर आप दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं टाइम फ्रेम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप जरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। अगर आपका जरोधा का अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, वहाँ से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आने पर यहाँ स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके अपना जरोधा का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं स्कैल्प ट्रेडिंग की। स्कैल्प ट्रेडिंग मतलब 2, 4, 5 मिनट के अंदर कम से कम पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के आपको निकलना है, तो वो स्कैल्प ट्रेडिंग कहलाती है, जिसे हम इंट्राडे करते हैं। इसके बाद आता है डे ट्रेडिंग, मतलब दिन भर की ट्रेडिंग। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, सुबह खरीदते हैं या दोपहर को खरीदते हैं और शाम को बेच के निकल जाते हैं, वो कहलाती है डे ट्रेडिंग। अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी है तो आप का जो टाइम फ्रेम है वो होना चाहिए 15 मिनट का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप डे ट्रेडिंग करने के लिए सही फैसले ले सकते हैं, आपको घाटे कम होंगे, मुनाफा ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग मतलब कि आप आज खरीद लिए, 5, 6, 7 दिन, 1 हफ्ते बाद आप बेच रहे हैं, ये कहलाती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप वीकली ट्रेडिंग भी कह सकते हैं उसको। इसके लिए आपको टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना चाहिए, जो बेस्ट टाइम फ्रेम है वो होता है 3 घंटे का। कौन सा? 3 घंटे का। अगर आप 3 घंटे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के बाद बात करें पोजिशनल ट्रेडिंग, मतलब इसको 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने या अधिकतर 1 साल तक भी रखना हो तो उनको कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना चाहिए। उनके लिए टाइम फ्रेम होता है बेस्ट टाइम फ्रेम 1 डे का। क्या होता है? 1 डे का टाइम फ्रेम। यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे 1D लिखा है, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो 1 डे का टाइम फ्रेम आपको स्क्रीन पे सोने लगेगा। इसमें आप अच्छी से अच्छी और सही से सही स्ट्रेटजी बना के आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये हो गई पोजिशनल ट्रेडिंग की बात। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म। कई लोग होते हैं कि भैया हमें तो शेयर खरीदना बस है, बेचना तो बाद में देखेंगे। उसके लिए जैसे कई लोग 20 साल के लिए अपने बच्चों के लिए कर लेते हैं कि हम आज से हर महीने उनके लिए शेयर खरीदते रहेंगे या शेयर खरीद के छोड़ते रहेंगे, जब हमारे बच्चों को जरूरत पड़ेगी, जब शादी होगी उनकी या फिर उनका जब एजुकेशन होगा, विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए, तब उन शेयर्स को हम सेल करेंगे। वो कहलाता है लॉन्ग टर्म, 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए अगर कोई रखता है तो। ठीक है, उसके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो होता है 1 मंथ का। अगर आप 1 मंथ का चार्ट लगाते हैं तो देखिए यहाँ 1 मंथ के चार्ट में W पैटर्न बन रहा है। W पैटर्न तो मैंने आपको सिखाया ही हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने W पैटर्न का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं।
या तो डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक डाला गया है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक साल या उससे ज़्यादा के लिए रखना चाहते हैं तो आपके लिए वन मंथ का चार्ट बेस्ट रहेगा। इसका मैंने एक चार्ट ही बनाया हूँ, ये देखिए। स्कैल्प ट्रेडिंग में इंट्राडे 1 से 5 मिनट का चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्कैल्प करना है फटाफट प्रॉफिट हुआ बाहर तो आप 1 से 5 मिनट का ही चार्ट इस्तेमाल करें, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होने की संभावना होगी। डे ट्रेड करते हैं, सुबह दो या खरीदा या शाम को बेच दिया, इंट्राडे ही कहलाएगा वो भी, लेकिन सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, तो ज़्यादा 15 मिनट का चार्ट, 10 मिनट या 15 मिनट। स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब वीकली ट्रेडिंग, तो आप 4 घंटे का चार्ट लगा के रखें, 3 घंटे का चार्ट लगा के रखें, तो वीकली चार्ट में आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत सटीक रिजल्ट देगा। इसके बाद अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग में आपके लिए 1 मंथ 2 मंथ या 6 मंथ आप रखना चाहें तो आप उसको रख सकते हैं, जिसके लिए आपको जो टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा वो आपका 1 दिन का होगा, 1 डे का टाइम फ्रेम रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तो आपको 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो काफ़ी दोस्तों के सवाल थे कि सर हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए स्कैल्प ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए, ये उनके लिए ये वीडियो था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इससे काफ़ी कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।